इसी खत्ते में हमारे साथ आजाद होने वाले ममालिक भारत और चीन के रूप में दुनिया की बड़ी और उभरती मईशत बन चुके। दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं जूतियों में बैठने वाला शख्स हूँ। अखंड भारत का कॉन्सेप्ट जो है भारत हिंदुस्तान जब वजूद में आया उसी के वक्त इवन इंदिरा गांधी साहिबा ने भी ये दिया, इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने दिया, इंडिया प्राइम मिनिस्टर ने ये तक कहा था कि हम जो नाश्ता है वो काबुल में करेंगे, लंच जो है वो लाहौर में करना चाहते हैं और डिनर जो है वो हम दिल्ली में करना चाहते हैं। ये तो होगा। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान का आम आदमी, मजदूर, गरीब आज भी भूखे पेट, नंगे पांव और बगैर किसी छत के गुजारा कर रहे हैं। इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनाई जाती है और वहाँ पर एक दीवार पर मैप बनाया जाता है जिसे सोशल मीडिया पर अखंड भारत के नाम से वायरल किया जा रहा है। इसके गरीब आवाम का जो इस्तेसाल है वो ऐसे ही होता रहेगा, कब तक गरीब चक्की में पिस्ता रहा रहेगा? और क्या कोई मसीहा कभी इन गरीबों के हालात बदलने का सोचेगा भी? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। भारत के नई संसद भवन का तो कल मोदी जी ने उद्घाटन कर दिया। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। और इस उद्घाटन से सबसे ज्यादा मिर्ची विपक्षियों को तो लगी है, साथ में पाकिस्तानियों को भी लगी है। हलवा पकाओ और जले पे नमक छिड़कने के लिए मोदी जी ने वहाँ पे लगा दी अखंड भारत की तस्वीर, जहाँ पर पुरातन भारत को दर्शाया। इस अखंड भारत की तस्वीर को देखने के बाद में इन पाकिस्तानियों का दिमाग चला गया सातवें आसमान पे। लेकिन कब तक पारा गया सातवें आसमान में? दिमाग तो इनका घुटनों में ही है, ऊपर का फ्लोर तो खाली है। अखंड भारत की तस्वीर को लेकर पाकिस्तानी पत्रकार वहाँ गली गली घूम रहा है और पूछ रहा लोगों से कि देखो मोदी जी बना रहे अखंड भारत, अब हमारा क्या होगा? पता नहीं। और आज आपके लिए आपका भाई शुद्ध खाली चाय लेके आया, प्योर चाय, मैं नहीं मानता। बिना एडिटिंग के भी मजा आ जाएगा। तो चलते पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। क्या करते हैं आप? हम एक मुजाहिद हैं, हम एक पाकिस्तान को बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। वो दौर नहीं रहा जो काफर हमें मुसलमानों को लड़ाते थे आपस में। अभी खुद भी लड़ते हैं ना, तो उसके लिए भी काफिर ही जिम्मेदार है। ऐसे कैसे? वो लड़वाते हैं इनको। अबे तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या? तुम क्यों लड़ते हो? क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। ये बताएं, जैसे आपने बोला पूरी दुनिया को बताने आए हैं, काफरों को बताने आए हैं, क्या काफर हमारे खिलाफ हैं या हम खुद अपने खिलाफ हुए हैं? नहीं, काफर हमारे खिलाफ हुए हैं, हम उसको बताने आए हैं कि हम इस मनारे पाकिस्तान के नीचे हैं। हम आपको बताने आए हैं कि ये जात आत देख लो कि अब क्या होने वाला है, हम इंशाल्लाह आपको ढकेंगे। काफिरों को तुमसे लड़ने की क्या जरूरत है भाई, तुम आपस में लड़ के मर जाओगे। खुद ही बोल रहा था अभी, काफी लड़ा देते। खैर, हमें इस टाइम आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान के बारे में सोचना है? ये हिंदू मुस्लिम काफर ये वो, ये इन चीजों के बारे में नहीं, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए सोचना है। नहीं, हमने पाकिस्तान को बेहतर करना है, हमने अपने अपने पाकिस्तान को बताना है, अपने अपने वतन को बचाना है। ठीक है, ये अच्छी बात है, मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूँ, मानता हूँ कि अपने पाकिस्तान को बचाना है, लेकिन बीच में ये काफरों को बताने आए हैं क्या? मतलब हम ऐसी बात करेंगे और यहाँ पे खड़े होकर क्या बताएंगे? नहीं, काफर हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे पानी को बंद करना चाहता है, जो हमारे पानी को बंद करेगा हम उसकी सांस बंद कर देंगे, हम उसकी जुबान खींच लेंगे जो मोती पानी को बंद करता है। अभी तक तो मोदी जी ने पानी बंद नहीं किया, लेकिन जिस दिन मोदी जी ने पानी बंद कर दिया ना, तुम सारे पाकिस्तानियों की प्यास के मारे सारी जीप बाहर आ जाएगी। और नहीं तो क्या? और वो वक्त भी जल्दी आएगा, चिंता ही मत करो तुम। ठीक है, आपको पता है वहाँ पे अखंड भारत की बात हो रही है, वहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, मतलब उनके सोशल मीडिया पे इस टाइम वायरल है कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, ये सब एक दिन इकट्ठा हो जाएगा। आप कहते हैं यहाँ पे हम मुजाहिद हैं और गजवाए हिंद की बात करते हैं। अगर वो कहते हैं सब एक हो जाएगा, अगर वो मुसलमान हो जाए, हमारे इस्लाम को कबूल कर ले, तो वो एक हो सकता है। मैं अगर लड़का होता ना तो एक ही चीज बोलती आपको, अजी अजी मेरा।
यहाँ पे आने का मकसद क्या है? ये जो बड़ी तादाद में लोग आए हैं इस पार्टी के साथ, क्या मकसद है इसके अंदर? आज ना यौम तकबीर का दिन है, तो यौम तकबीर वाला दिन ना हमारा एडमी मुल्क बना था, तो आज ना अंदरूनी तौर पर जो हमारी हुकूमत है ये सिटी बीटी के ऊपर मजा करा रही है। ठीक है, सिटी बीटी में क्या ये है कि जो हमारा एटमी सास है ना, ये इंडिया की निगरानी में दिया जाए। ये IMF की शर्तों में शर्त ये भी है, और अंदरूनी तौर पर इस वक्त हमारा जो मुल्क के अंदर हमारे सियासतदान है वो इसराइल को तस्लीम कर, इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, और हमारे मुल्क के अंदर उसके सफर खाने बना रहे हैं। तो आज हमारा यहाँ दाखिल जमाने का मकसद ये है कि हम अपनी पूरी कौम भूखी रह रहेगी, मर जाएंगे, लेकिन हमारा अपना एटमी सास्ता किसी को नहीं देंगे। अब जाहिलो और कितना भूखा मरोगे, कितना भूखा मरोगे। आटे की लाइन में आटा लेने के लिए अभी तक पाकिस्तान में 45 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं पिछले 4 महीने में। आटा मिले नहीं मिले वो तो बात की बात है, आटा लेने में मर रहे हो, यही तो कयामत है। आज भी गरीब दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, आज भी मजदूर को जब उजरत मिलती है ना तो वो इतनी कम होती है कि वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि इससे अपने जिस्म को ढांपे या फिर पेट की भूख को मिटाए। ऑटो के लिए लाइनें लगवा देते हैं, मार रहे हैं लोग, एक थैला लेने के लिए वो माँ अपनी जान दे देती है, ये क्या पाकिस्तान की आजादी है? खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, कहीं बाप अपने बच्चों को बाजार में बेचने पर मजबूर है तो कहीं माँ अपने बच्चों को जहर देकर उनकी भूख हमेशा के लिए मिटा देती है। अरे राम, अरे राम, अरे राम। मगर नारा आज भी वही लगाया जा रहा है, और इसी तर्ज पर अवाम को हमेशा की तरह पागल बनाया जा रहा है, बेवकूफ बनाया जा रहा है। फिक्र ना करें, लोग भूल जाएंगे इसको। ठीक है, हम जो असला हमारा असला है वो हम बनाए गए अभी और खरीदे गए अभी, वो असला हमने खुद बनाया। एक मिनट, आप देखो कहीं ना 2 सालों के अंदर आज तक हमारा एक भी एटमी कोई वो ना तो नहीं हुआ, अपना तजर्बा नहीं हुआ। उसका सबब क्या है कि IMF के मतलब एक वादा है कि ना हम अपना एटम सासा बनाएंगे, ना हम उसको उसका तजर्बा करेंगे और ना हम किसी को बेचेंगे। तो इसके लिए दो चीजें बोली हैं, एक आपने बोला इसराइल को पाकिस्तान की गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने जा रही है, हम पाकिस्तान इसराइल को एक्सेप्ट करे या ना करे उसमें इसराइल का क्या नुकसान या फायदा है? देखो फायदा नुकसान बाद की बात है, हम इसराइल के तस्लीम को मुखालफ नहीं है, हम इंडिया के साथ तजारत के मुखालफ नहीं है, हमारा सिर्फ दो मौकफ है, हमारे मौकफ सिर्फ दो हैं कि इसराइल वो फलस्तीन का मसला हल करें और जो हमारे ये इंडिया है वो मसला कश्मीर का हल करें। देखो पाकिस्तानियों, आतंकवादी बनाना तुम्हारा काम है, जिहादी बनाना तुम्हारा काम है, मुजाहिदीन बनाना तुम्हारा काम है, और उन सबको बेहतर उरों के पास पहुँचाना हमारी आर्मी का काम है। ये आप सबको वाजिया बताएं कि कश्मीर के लिए असल कौन सी जमात ने काम किया हुआ है? आप लोगों कौन सी जमात ने काम किया? देखें जी हाफिज सईद साहब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहे। हाफिज सईद जैसा आतंकवादी इनके यहाँ पे पार्टी बना के चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पाकिस्तानियों मान गया तुम्हारे को, नेक्स्ट लेवल के आतंकवादी हो तुम भाई, नेक्स्ट लेवल के। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब पाकिस्तानियों को ठोकोगे आप, अगर YouTube पे देख रहे हो तो लाइक टारगेट है 10,000 और Facebook पे देख रहे हो तो 25,000, मामूली ये हो जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।